हाल में हिल काउंसिल के चुनाव हुए हैं और हिल काउंसिल के चुनाव में जो काउंसिलर तंगसे से जीत के आए तासी जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि वो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिलर भी हैं, तो उनके पास जिम्मेदारी बहुत है। हम ये पूछते हैं कि उनके पास कौन कौन सी जिम्मेदारी, कौन कौन से विभाग उनके पास है और उनके पास क्या क्या योजना है इसके बारे में। हाँ, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं फोकस न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। और तो इसमें मेरा जिम्मेवारी डिपार्टमेंट शिप हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, वाइल्ड लाइफ है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इस तरह कमांड एरिया है और ये सारे हमारा मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। जी, जी तो ये वाइल्ड लाइफ को टूरिज्म से आप कैसे जोड़ेंगे, जिससे ज्यादा ज्यादा जो टूरिज्म जो है ना, जो वाइल्ड लाइफ के शौकीन है बिल्कुल वो यहाँ पर आए और टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे बढ़े। बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ को लेकर काफ़ी हमारा इसमें विंटर टूरिज्म भी आता है और समर टूरिज्म भी। खासकर वाइल्ड लाइफ को लेकर चांगथांग में वहाँ पे हमारा ये ब्लैक नेक क्रेन जो है, और वाइल्ड लाइफ को लेकर बहुत सारे हमें देखने के लिए चांगथांग रीजन में वो बहुत मिलेंगे। और साथ ही साथ और विंटर में यहाँ जो रुम्बक एरिया में यहाँ जी पे हमें स्नो लिपर्ड दिखता है टूरिज्म को लेकर। खासकर अभी तो जो अभी ये कोविड की वजह से हमें टूरिज्म का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में तो मैं पूरा इसको टूरिज्म के साथ मतलब जोड़कर और काफी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने ये जिम्मेदारी को मैं निभाने के लिए कोशिश करेंगे। कोविड की वजह से नुकसान जरूर टू इसको हुआ वाइल्ड लाइफ को, जी परंतु हमें उम्मीद है कि वाइल्ड लाइफ इससे बढ़ेगा, बिल्कुल क्योंकि जो डिस्टर्ब होता था पहले वाइल्ड जी लाइफ जी टूरिस्ट की वजह से, इस बार वो आराम से शांति से उनको मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो है एक तरफ से जो पहले तो हमें बहुत ही सारे यहाँ पे टूरिस्ट आ जाता है, तो उस हिसाब से हाँ वाइल्ड लाइफ को भी डिस्टर्बेंस जरूर होता है, लेकिन उसको हमें बिल्कुल तरीके के साथ आगे हमें कैसे वाइल्ड लाइफ को मतलब बिना डिस्टर्ब करे हम कैसे मतलब टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, तो इसको हमें पूरा ख्याल रखेंगे। आने वाले दिनों में हम पूरा ये डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम काम करेंगे आगे। जो रूरल डेवलपमेंट की बात आपने की है, जी आपके पास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हम गांव का विकास तेजी से कर पाएंगे? बिल्कुल, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लेकर काफ़ी सारे हमें हमारे यहाँ पे अभी सेंट्रली ये स्कीम है कि एम जी नरेगा को लेकर, ये बिल्कुल हमारे पूरा पब्लिक तक ग्रास रूट लेवल तक अभी तक हमें पहुँचा रहा है। ये एम जी नरेगा का जो यहाँ पे अभी स्कीम जो चल रहा है, ये काफ़ी हमारा लोग तक पहुँचा रहा है, लोगों यहाँ पे फायदेमंद भी ले रहा है। और दूसरे ये भी है रूरल डेवलपमेंट को लेकर, अभी इसमें बहुत सारे स्कीम्स है, सिटी नॉर्मल है और ये पंचायत डेवलपमेंट का है, और रूरल के उसमें हमारा जो जितने भी हमारे इलेक्टेड अभी काउंसलर्स है यहाँ पे 26, तो उनका भी हमारा जितने भी CCDF है, काउंसलर कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, ये भी हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जाते हैं। तो इसमें हमें पूरा आगे हमें पूरा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, क्योंकि ये हुआ है जब यूटी बनने के बाद, पहले हमारा जितने भी पहले तो हमारा 20 लाख ही था काउंसलर का CCDF, तो ये हमारा बिल्कुल बिना टेंडर पे हम काम भी कर लेते थे। अभी यूटी बनने के बाद हमें 50,000 से ऊपर ऊपर हमें पूरा टेंडर सिस्टम करना पड़ता है, तो हमने इसमें काफी कोशिश किया। लास्ट हमारा जो 5th LSDC था, तो उसमें भी हमारा ये डिसाइड हुआ कि जितने भी हमारा अभी जो प्रोजेक्ट होगा, जितने भी हमारा ये फंड्स रिलीज करेंगे, तो ये सारे हमें पूरा टेंडर के थ्रू होगा। और जो अभी 5 लाख तक हम पूरा अपना ब्लॉक लेवल पे BDO के लेवल पे हमें पूरा टेंडर कर सकते हैं, और 5 लाख से अबव तो ये जो है हमें पूरा यहाँ पे SED ऑफिस से हमें करना पड़ता है, तो ये सिस्टम हमें पूरा आगे करने की कोशिश करेंगे। तो इस साल ये भी हुआ है जितना हमारा CCDF का फंड्स हमने काउंसलर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिए हुआ है, लेकिन ये खर्च नहीं हुआ है क्योंकि ये कोविड की वजह से है, और दूसरा हमारे यहाँ पे लेबर सारे शॉर्टेज है, तो इस वजह से शायद इस बार हमें खर्च का अच्छी तरह से नहीं हुआ। कल हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये सारी बातचीत रखा है, तो आने वाले दिनों में हमें पूरा इस पे जोर शोर से काम करने की कोशिश करेंगे। पश्मीना जो गोट है यहाँ जी पे, उसकी बहुत संभावना पश्मीना का, यहाँ उत्पादन ज्यादा हो और यही यहाँ पर प्रोसेस भी यही हो, उस दिशा में आपके पास कोई योजना है? बिल्कुल जी, पश्मीना को लेकर खासकर हमारा चांगथांग भेड़ से ही होता है, तो अभी हम सब ने देखा है कि पूरे मतलब देश में भारतवासियों में ये पूरा कश्मीर का नाम लेके मतलब कश्मीर बोल के हमारा जो पश्मीना जो यहाँ से जो आता है, खासकर ये चांगथांग को लेकर। अब तो लद्दाख अलग हो गया, आप तो लद्दाख आ अपने गया ब्रांड है बेचना है आपने जी सब तो। बिल्कुल, आप हम आगे पूरा ये कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम किस तरह से टेक देंगे पश्मीना को पूरा लद्दाख करके, या और मतलब जो भी हम कर सकते नाम हैं रखेंगे और जो कर सकता है, जी। तो उस पर हम पश्मीना को लेकर हमें बहुत बड़ा हम जोर देंगे, क्योंकि इसमें हमें स्कोप है, एंटरप्रेन्योर है, जो जितने भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है
उनके लिए हमें बढ़ावा दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में उम्मीद करें कि विकास की जो गाड़ी है लद्दाख में जी जी आप लोग बहुत तेजी से दौड़ाएंगे क्योंकि आप यंग भी हैं। बिल्कुल, तो जितने भी मेरे ऊपर यहाँ पे अभी जो पोर्टफोलियो दिया हुआ है डिपार्टमेंट सौंपा है तो मैं पूरा जोर से मैं काम करने की कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में जितने भी मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दिया है डिपार्टमेंट तो उस हिसाब से मैं बिल्कुल गति के साथ रफ्तार के साथ मैं काम करने की कोशिश करूंगी। ये मैं सबको मतलब ये देता हूँ। आपके सीईसी बिल्कुल युवा है, यंग है जी, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यंग है बिल्कुल, और आप भी आपकी इस बार टीम पूरी यंग टीम है बिल्कुल। तो कैसे आप इस गाड़ी को तेजी दौड़ाएंगे? तो आज पूरा हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो बांटा है सबको, जो हमारा जितने भी यहाँ पे सीसी से लेकर हमारा जो एग्जीक्यूटिव का टीम है सारे यंग है। और दूसरा, हमने काउंसलर पहले रह चुका हूँ 5 साल, तो उस हिसाब से आप तो अनुभव भी है जी, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव का ओहदा तो हम अभी जिम्मेवारी इस बार ले रहा हूँ, तो हमें काफी मतलब पता है डिपार्टमेंट कैसे चलता है, हमने किस तरह से काम किया है, इसमें हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो अभी जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट संभल है ये हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है, तो हमें पूरा काम करने की कोशिश करेंगे कि विकास की गति को हम किस तरह से चलेंगे आने वाले दिनों में, तो इसको लेकर मैं जरूर काम करेंगे। तो मोदी जी का जो सपना है लद्दाख को आगे ले जाने का, आप उसमें आप में आपकी भागीदारी उसमें कितनी? बिल्कुल, मोदी जी का सपना है, एक तो उसका मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर, तो हम भी यही कहते हैं सबका साथ सबका विकास लोकल और से वोकल तक। हाँ जी, लोकल से वोकल तक भी उनका है, लोकल से वोकल तक। हाँ, ये हम पूरा मतलब पूरा लद्दाखी वासियों को जो अब मैं अभी जो है टंगसे काउंसलर में चुन के आ रहा हूँ, लेकिन आज जो मेरा ये जिम्मेवारी है पूरा मतलब ले डिस्ट्रिक्ट का है, तो फिर यहाँ पे एक तो रीजन वाइज हमारा जो इसी चुना गया है तो उसको लेकर जो शिप है एनिमल है जितने भी मेरे ऊपर ये पोर्ट फ्लू सौंपा है तो पूरा मतलब ले डिस्ट्रिक्ट को लेकर मैं कैसे चलो ये मैं पूरा अपने काउंसलर जितने भी यहाँ पे इलेक्टेड काउंसलर है 26 चाहे ये विपक्ष में बैठा हो या पक्ष में बैठा हो साथ लेकर साथ को ले सबको मैं साथ लेके चलूंगा। जी 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 बिल्कुल। फोकस न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि लद्दाख की प्रकार से की गाड़ी बहुत तेजी दौड़े और जो लोगों ने सपना देखा है लद्दाख की जनता ने उस पर हिल काउंसिल और आप खड़े उतरे। इसी उम्मीद के साथ फोकस न्यूज से बातचीत हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।